हाय दोस्त, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं क्रिकलेक्स यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग आपको किस तरह से टीम बनाते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि स्मॉल लीग का टीम किस तरह से बनता है और किस तरह से हमें नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, सभी लोग देखते हैं जिनको कुछ नहीं आता तो कॉपी पेस्ट करते हैं। जैसे कि मान के चलिए जिन खिलाड़ी का ज़्यादा सलेक्शन हो उनको अपने टीम में रख लिए। ऐसे करके देखिए यह हो गया, जिस खिलाड़ी का परसेंटेज ज़्यादा होगा उसी को अपने टीम में रखें। ऐसा नहीं कि कम परसेंटेज वाला को ले लेंगे, वो नहीं करेंगे। उनको लगता है कि जो खिलाड़ी का परसेंटेज ज़्यादा है तो अच्छा है, सब इसको ले रहा है, हम भी लेंगे तो हम भी जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जो भी खिलाड़ी का परसेंटेज ज़्यादा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि पर डे वही खिलाड़ी आपका काम करेगा। तो इस तरह से सभी लोग टीम बना देते हैं। सभी टीम बनाते हैं तो सेम हो जाता है। उसमें क्या होता है, सभी मतलब लगभग 9 खिलाड़ी जो होते हैं वो आपका कॉमन हो जाते हैं। ठीक है, 9 खिलाड़ी अगर कॉमन हो गया, 2 खिलाड़ी का डिफरेंस होना चाहिए, 2 मेंबर है तो 2 मेंबर में आपका एक या 2 खिलाड़ी जिताता है आपको। ठीक है, तो आपको 9 खिलाड़ी जब कॉमन हो गए तो आपके पास 2 ऑप्शन बच गया। अब 2 ऑप्शन बच गया तो आपको अपना दिमाग लगा के यूज करना है कि हम किस तरह से 2 ऑप्शन को यूज करेंगे कि हम अगला को हरा सकते हैं। तो चलिए उसी के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए क्या करना होता है, इस तरह से आपको टीम नहीं बनाना होता है। ठीक है, आपको क्या करना होता है, 7 या 8 खिलाड़ी आपको अपने टीम में लेना होता है जिनका परसेंटेज सेलेक्शन ज़्यादा हो। ठीक है, तो कैसे हम सेलेक्ट करेंगे कि जिनका परसेंटेज सेलेक्शन ज़्यादा है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो जैसे कि पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं। पहले हमें क्या करना है, 80% से लेकर के 100% के बीच में जो भी खिलाड़ी है उसको हम अपने टीम में चूज कर लेते हैं। तो 81% राहुल, उसके बाद आ जाइए और कोई है 80% तो जी नहीं, ऑलराउंडर सेक्शन में देख लेते हैं, 84% जडेजा, उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में देख लेते हैं डीजे ब्रावो 85%, और तो कोई दिख नहीं रहा है। तो मिला जुला के 3 खिलाड़ी हमारा जो है 80 से लेकर के 100 के बीच में सिलेक्शन में है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें 60 से लेकर के 80 के बीच में जो भी खिलाड़ी है उसको अपने टीम में सेलेक्ट करते हैं। चलिए 62, 77, उसके बाद 60+ कोई है ऑलराउंडर सेक्शन में देख लेते हैं, ऑलराउंडर सेक्शन में भी शायद नहीं है, बॉलिंग सेक्शन में, बॉलिंग सेक्शन में जी हाँ जी, तो उसमें चमीरा है, उसके बाद आपका और कोई जी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, हमारे पास 6 खिलाड़ी आ गए, तो जिसमें दोनों टीम से हमारे 3-3 खिलाड़ी हो गया है। अब क्या करना है, अब इसमें लॉजिक लगाना है, 6 से 7 खिलाड़ी 8 खिलाड़ी जो है कॉमन होना चाहिए। अब क्या करना है, एक देखिए 7वां खिलाड़ी जो आपको रखना है वो किसको रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 7वां खिलाड़ी वैसा खिलाड़ी होना चाहिए जो कि इस मैच में नया खेल रहे हो या फिर खेल रहे थे, टीम से बाहर बैठे हुए थे, उसको अचानक इस टीम में लाया गया है। तो इस टीम में लाने का मतलब है कि कुछ ना कुछ बात है, तब उसे अचानक मैच में जगह मिल रहा है खेलने के लिए। ठीक है, तो मान के चलिए कोई भी नया खिलाड़ी आता है, जैसे मान के चलिए ए ए बदानी, इसको ले लिए,
नए खिलाड़ी के तौर पर आ गया। अब बच गया मेरे पास ऑप्शन चार, तो चार में क्या करना होगा, एक रिस्क हमें लेना होगा बैटिंग सेक्शन से, दूसरा रिस्क लेना होगा बॉलिंग सेक्शन से, ठीक है, और दो बच जाएगा उसके बारे में मैं बता दूंगा। तो पहला रिस्क क्या होता है, तो पहला रिस्क है कि जैसे मान के चलिए रोबिन उथप्पा, ठीक है, रोबिन उथप्पा जो है आपको लग रहा है कि पिछला मैच में इन्होंने करीब अच्छा 40 से 50 रन आपको मार के दिए थे, तो इस मैच में नहीं मारेंगे, ये अपना सेंस लगाना है। हो सकता है कि इससे ज्यादा रन हमें इविन लुइस दे दे, तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा कि रोबिन उथप्पा को ना लेकर के इविन लुइस को अपने टीम में ले लेना होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सातवां खिलाड़ी कंप्लीट हो गया, सॉरी आठवां खिलाड़ी कंप्लीट हो गया। इविन लुइस मान के चलिए रोबिन उथप्पा से अगर ज्यादा पॉइंट दे रहा है तो इसको रखना है। उसके बाद आ जाते हैं बॉलिंग सेक्शन में, बॉलिंग सेक्शन में क्या करना है, जैसे कि आपको दिखा देते हैं, 1 मिनट 1 मिनट, रवि बिश्नोई, रवि बिश्नोई ये जो खिलाड़ी है पिछला मैच में एक भी विकेट नहीं लिए, इनका सिलेक्शन परसेंटेज आप देख सकते होंगे मात्र 33 है, तो हमें रवि बिश्नोई को अपने टीम में जरूर रखना है। इससे क्या होगा कि अगला तो ये सोच रहा है कि रवि बिश्नोई पिछले मैच में विकेट नहीं लिया है तो इसमें भी शायद नहीं ले, आप इसको अगर रखते हैं अगर 1 से 2 विकेट निकाल लेता है तो आपका टीम एकदम आगे निकल जाएगा और आप आराम से जीत जाओगे, किसी तरह का टेंशन नहीं होगा। तो रवि बिश्नोई आ गया, उसके बाद क्या करना है, दो खिलाड़ी आपके पास और बच रहा है, तो दो खिलाड़ी को क्या करना है कि दो खिलाड़ी आपको वैसा लेना है कि जो पहली बॉलिंग कर रहा है टीम, ठीक है, जो टीम पहले बॉलिंग कर रहा है, मान के चलिए अगर चेन्नई सुपर पहले बॉलिंग करती है तो उसका डेथ ओवर का दो बॉलर लेना है, डेथ ओवर जो कि करीब 18 ओवर से लेकर के 20 ओवर के बीच में बॉलिंग कराते हैं, उसको डेथ ओवर बॉलर कहते हैं। तो डेथ ओवर में क्या होता है कि बैट्समैन मार धाड़ के चक्कर में रहते हैं, अपना विकेट गंवाते हैं या फिर बॉलर पिटाता है, दो ही काम होता है, तो इस स्थिति में बॉलर को विकेट मिल जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दो खिलाड़ी को ऐसा लेना है जो कि मान के चलिए फर्स्ट बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट बॉलिंग कर रहा है तो उसको अपने टीम में डेथ ओवर बॉलर को रख लेना है। जैसे कि मान के चलिए डेथ ओवर में डीजे बराबर एक हो गया, उसके बाद दीपक चहर हो गया चेन्नई सुपर के तरफ से, ठीक है, बैटिंग सेक्शन से एक और हमें किसी को लेना होगा तो डी कॉनवी को ले लेते हैं या फिर रोबिन उथप्पा को ही ले लेते हैं, ठीक है। रोबिन उथप्पा को लेने का मतलब है कि पिछले मैच में पॉइंट दिए थे तो हो सकता है इसमें नहीं ले, तो डी कॉनवी हमारे लिए अच्छा होगा। तो इतना आपको दिमाग में रखना है कि लास्ट का जो पहले बॉलिंग कर रहा है उसका दो बॉलर को जो डेथ ओवर बॉलिंग कर रहा है तो उसको अपने टीम में जरूर से जरूर लेना है। उससे क्या होगा कि विकेट गिरने का चांस रहता है डेथ ओवर में, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग जो करता है तो मार धाड़ के चक्कर में रहते हैं, और सेकंड में क्या होता है कि थोड़ा वो डिफेंस खेलने की कोशिश करते हैं कि रुक रुक अपना किस तरह टारगेट को अचीव कर लेना है, तो इस तरह से विकेट कम मिलता है। तो इस चीज को आपको अपने दिमाग में रखना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका स्मॉल लीग 2 मेंबर या फिर 3 मेंबर 4 मेंबर का, ठीक है। अब ग्रैंड लीग की बात कर लेते हैं, ग्रैंड लीग में आपको क्या करना होता है, ग्रैंड लीग में आपको करना होता है कि 7 या 8 खिलाड़ी आपको कॉमन रहेंगे जो स्मॉल लीग में रहता है, आपको उसमें से 2 या 3 चेंज करना होता है। वो क्या करना होता है, एक आपको करना होता है जो खिलाड़ी रेगुलर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, मान लीजिए 100+ आपको पॉइंट दे दिया है, 100+ पॉइंट दिया है पिछले मैच में, उसके पिछले मैच में भी दिया है, तो इस मैच में आपको उसको अपनी टीम से ड्रॉप कर देना है, मतलब निकाल करके उस खिलाड़ी की जगह पर दूसरे खिलाड़ी को ले लेना, ठीक है, जो कि अच्छा हो, परसेंटेज सिलेक्शन कम भी रहे लेकिन उसका खिलाड़ी अच्छा होना चाहिए, उसको अपने टीम में रख लिया। अब क्या है, दो खिलाड़ी, दो ऑप्शन और बच गया, हमने क्या बोला था,
दो खिलाड़ी वैसा लेना है, एक तो ड्रॉप करना है जिसका मतलब रेगुलर परफॉर्मेंस अच्छा है, दूसरा वो करना है कि इस मैच में ऑलराउंडर सेक्शन में अगर कोई बढ़िया खिलाड़ी है और वो टीम में मतलब कि पिछला कुछ परफॉर्मेंस उसे खराब चल रहा है, उसको इग्नोर कर रहे हैं लोग कि ये काम करने ही है उसको अपनी टीम में, आपको उसी को अपनी टीम में रखना है। उससे क्या होगा कि अगर वो खिलाड़ी एक भी विकेट लेगा ना तो आपको कितना रैंक आगे ले जाएगा कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो आपको उस टाइप का एक खिलाड़ी आपको ऑलराउंडर सेक्शन से ले रहना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको विकेट कीपर में लेना है, जैसे मान के चलिए लोकेश राहुल डीकॉक है, एमएस धोनी है। एमएस धोनी पिछला मैच में अच्छा किए हैं, ठीक है, तो सभी लोग इसको रखेंगे, तो आपको इसको नहीं रख करके डीकॉक को आपको अपने टीम में रखना है। जैसे मान के धोनी को सब लोग जान रहे हैं पिछले मैच में अच्छा खेला तो इस मैच में खेलेगा, तो आपको धोनी को ना लेकर के डीकॉक को अपने टीम में रख लेना है। विराट कोहली का बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, कप्तान उप कप्तान आपको चूज करना है। तो कप्तान उप कप्तान हमेशा डिफेंस सोचिए, सबसे अलग मेरा सोचिए कि सभी लोग जिसको कप्तान बनाते हैं स्मॉल लीग में देखते होंगे, जैसे कि देख लोकेश राहुल को कप्तान बनाते हैं, हमें क्या करना है उसको VCC बना देना है। कप्तान हमको उसको बनाना है जो कि 0 रन में पिछला बार आउट हो चुके थे, जैसे कि मान के चलिए ऋतुराज गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़ जो है उसको अपने टीम में कप्तान बना दीजिए। इससे क्या हुआ कि सभी खिलाड़ी इसको इग्नोर करेंगे और लोकेश राहुल के साथ जाएंगे, जो लोकेश राहुल अगर आपका आउट हो जाता है तो आप वन साइडेड विन कर जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आप वीडियो बना रहा हूँ, अगर इस तरह से आपको टीम बनाना है तो इस वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए, देखने के बाद इसी तरीका से आप टीम बनाओगे तो गारंटी के साथ विन करोगे। तो इस टीम का प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ, टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरह से है, देखने के लिए मिलेगा आपको कि 6-5 का कॉम्बिनेशन है, तो आप चाहें तो इस टीम के साथ भी खेल सकते हैं या फिर चाहें तो दूसरा मैच खेल रहे हैं तो इसी तरह से का टीम बना सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं इस तरह के वीडियो लेकर के आपके लिए हाजिर होंगे, तो नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।